हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना न्यू GoPro 7 का मोटो व्लॉगिंग सेटअप जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरा सेटअप दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें लगी है मुझे सेटअप को रेडी करने के लिए, कितना कॉस्ट है, सारी चीज़ें बताऊँगा। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सो ये जो मेरा GoPro का न्यू सेटअप है, इसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी। SC3 रोड का मैंने अडाप्टर लिया है, TRRS कन्वर्टर है ये। और इसके अलावा ये आपको माइक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़ का है और ये आपको मिल जाएगा 1100 में। और ये GoPro के साथ जो बकल माउंट आता है, इसको मैं हेलमेट में अटैच करूँगा। और ये मैंने ऑलरेडी MC लगा के रात को ये इसको अटैच कर दिया था ताकि ये सुबह तक थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो ये अभी हिलेगा नहीं। और ये मुझे उलानजी का एक केस लेना पड़ा जिसमें आप GoPro का अडेप्टर, जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा है ये, तो ये अडेप्टर इसके अंदर आ जाता है और ये इजी होता है उसको माउंट करने में, क्योंकि अदरवाइज़ नॉर्मली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लटका के यहाँ पे या फिर साइड में कहीं ना कहीं इसको चिपकाना ही पड़ता है आपको। तो उससे बेटर है कि ये केस ले लीजिए, इस अराउंड 1200 का आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन से। और यहाँ पे आपको कोल्ड शू माउंट भी मिलता है जस्ट इन केस अगर आप GoPro 7 यूज़ करके अपना ब्लॉगिंग सेटअप करना चाहते हैं, तो आप ये यहाँ पे माइक अटैच कर सकते हैं, एक्सटर्नल माइक बोया का या फिर रोड का शॉटगन माइक आप ऊपर अटैच कर सकते हैं। सो सबसे पहले इसको मैं यहाँ अटैच करूँगा। और मैंने इसके अंदर ऑलरेडी माइक को मैंने ऑलरेडी हेलमेट में लगा दिया है यहाँ पे, तो इस ये बाहर का कनेक्शन है। प्लस जो इसका माइक है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा मैंने पैडिंग के अंदर से घुमा के पूरा लगाया है इसको, तो ये काफ़ी ईजी है लगाना वैसे तो, क्योंकि मैंने एक 300 के आसपास का ये माइक मैंने लिया था ऑनलाइन अमेज़ॉन से, तो आपको इतना एक्सपेंसिव माइक लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाता है। बट मैंने ये अडेप्टर एक ब्रांडेड ले लिया ताकि एटलीस्ट ऑडियो क्वालिटी में ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। और रोड का जो माइक आता है इस तरह का लैब माइक, वो आता है ऑलमोस्ट अराउंड 5500 का, तो 300 का भी ज़्यादा बेटर है, इतना पैसा बहुत ही खर्चा हो गया तो इतना और ज़्यादा करने की ज़रूरत थी नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से लगेगा और कैसे सेटअप होगा। सो ये रहा वो रोड का अडेप्टर और कन्वर्टर आप बोल सकते हैं, क्योंकि GoPro का जो माइक अडेप्टर है वो ऐसे 3 रिंग वाले TRRS ये नहीं करता है, तो आपको ये डबल TRS पिन को ही सपोर्ट करता है ये, तो इसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ लगा देता हूँ मैं। ये है GoPro, तो इसकी मैंने बैटरी चार्ज ऑलरेडी की हुई है। और इसके बाद आपको ये कवर निकालना पड़ेगा, इसका कवर निकल जाएगा यहाँ से। तो ये बाद में आप लगा सकते हो, जैसे ही आप ये निकालते हैं तो इसके बाद आपका ये GoPro वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो आप ये रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि ये पानी यहाँ से चले जाएगा और आपका GoPro डैमेज हो सकता है। तो अभी इसको मैं GoPro को इलानजी के इस केस में डालूंगा जो कि काफ़ी ईजी है। और ये कुछ इस तरह का दिखता है, और पीछे से आप ये केस को बंद कर देंगे। राइट, और ये जो आपका टाइप सी केबल है आपका इसमें जाएगा, टाइप सी पोर्ट में। सो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपको, और इसको आपको अटैच करना है अपने हेलमेट माउंट पे। तो ये बकल माउंट मैंने ऑलरेडी लगा दिया है यहाँ पे, तो ये काफ़ी स्टर्डी है और काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये गिरेगा नहीं। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगा दिया इसका, तो ये पूरा सेटअप है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आपने रोड के कन्वर्टर से माइक को कनेक्ट कर दिया है और वो माइक यहाँ आपके अडेप्टर के साथ कनेक्ट हो गया है। सामने से कुछ इस तरह का दिखेगा ये, और ये साइड से कुछ ऐसा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा मेरा नया सेटअप। इस पूरे सेटअप का कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड आया मुझे 32-33,000 के आसपास, इंक्लूडिंग अडेप्टर, ये न्यू इलानजी का केस, न्यू GoPro, ये रोड का कन्वर्टर, न्यू माइक, सो ये सारी चीज़ें मिला के। और तो अभी चलते हैं रोड पे और चेक करते हैं इसका ऑडियो कि ऑडियो बेटर हुई है या नहीं पहले के हिसाब से। सो लेट्स सी। ऑलराइट, सो अभी हम रोड पे आ गया हूँ मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके चेक करने के लिए कि ऑडियो क्वालिटी कैसी है। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है तो आई होप कि नॉइज़ रिडक्शन हो और वॉइस क्वालिटी ज़्यादा बेटर आए ऑडियो क्वालिटी इसकी GoPro की। और अभी मैंने कोई भी सेटिंग्स में चेंजेस नहीं किए हैं ज़्यादा, मैं सिर्फ फ्लैट पिक्चर प्रोफाइल पे शूट कर रहा हूँ। और मैंने जो
बाकी सेटिंग्स रखी है ऑटो पे ही रखी है, तो उसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं किए मैंने। और जो इसका फील्ड ऑफ व्यू है वो है सुपर व्यू में मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कैप्चर हो इसमें। और अभी मेरा वाइज़र ओपन है, सो लेट्स सी कि अगर ऑडियो क्वालिटी में कोई डिफरेंस आता है जब मैं वाइज़र क्लोज करता हूँ उसके बाद। और मैं थोड़ी हाई स्पीड पे भी चला के देखूँगा कि विंड ब्लास्ट का इम्पैक्ट आ रहा है यानी मेरे ऑडियो पे। सो आई होप कि अभी ऑडियो सही आ रही होगी, अभी विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा है। सो मेरा मेन रीज़न जो ऑस्मो एक्शन से शिफ्ट करके GoPro पे आने का ये था कि ऑस्मो एक्शन का माइक अडेप्टर मुझे नहीं मिल रहा था, और उनका ये फर्स्ट कैमरा था DJI का एक्शन कैमरा, सो उनके एक्सेसरीज़ भी इजीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और मैंने एक्चुअली उसका Banggood.com से अडेप्टर मंगवाया था, इम्पोर्ट कराया था, बट उसको आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं और 1.5 महीने से वो दिल्ली कस्टम्स में फंसा हुआ है, तो उसको आने में और ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे लगता है। और उसकी एक्स्ट्रा बैटरीज और ये सारी चीज़ें मिल नहीं रही थी, एक्सेसरीज जो भी एक्स्ट्रा अगर लेना चाहते हो, क्योंकि अगर आपके एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो आप अगर, तो आपके पास एक्स्ट्रा बैटरी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इससे मैक्सिमम का आपको जो बैटरी बैकअप मिलता है 1 घंटे का मिलता है। पर ऑस्मो एक्शन का बैटरी बैकअप GoPro से काफ़ी बेटर है और फ्रीज़ भी नहीं होता, जैसे GoPro हैंग हो जाता है बार बार, ऑस्मो एक्शन हैंग नहीं होता, उसका बैटरी बैकअप बेटर है। बट उसका ये दिक्कत है कि उसका माइक अडैप्टर नहीं मिल रहा है और इजीली उसके एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है इंडिया में। और GoPro वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है क्योंकि टॉप पे GoPro ही है अभी। सो ये मेरा रीज़न था एक कि मैंने ऑस्मो एक्शन कैमरा से शिफ्ट करके GoPro 7 पे आया हूँ मैं। और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव सेटअप हो गया ये, बट इट्स ऑल राइट। अगर ऑडियो अगर बेटर आ रही है और फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा बेटर है तो ये एक चीज़ वर्थ है इतने प्राइस पे। और ऑस्मो एक्शन में एक और चीज़ नहीं है, जो इसमें सुपर व्यू का आपको ऑप्शन मिलता है GoPro में, वो ऑस्मो एक्शन कैमरा में आपको नहीं मिलता है। सो ये काफ़ी 2-3 चीज़ें हैं जो ऑस्मो एक्शन को अलग बनाती हैं GoPro से। सो होपफुली इतना स्पेंड करने के बाद एटलीस्ट ऑडियो बेटर आ रही होगी। अभी थोड़ा हाई स्पीड पे हम चेक करेंगे कि विंड ब्लास्ट कैसा है और विंड नॉइज़ आ रही है या नहीं, या विंड रिडक्शन हो रहा है या नहीं। तो अभी तक मैंने वाइज़र ओपन किया हुआ था, अभी मैं वाइज़र क्लोज़ करने दूँगा और फिर उसकी ऑडियो चेक करेंगे हम। और एक बैकअप कैमरा भी होना ज़रूरी है वैसे भी। सो दो अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो ज़्यादा बेटर है, अगर एक ख़राब भी होता है तो आप दूसरे से शूट कर सकते हैं। तो ऑस्मो एक्शन कैमरे में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं और 1-2 चीज़ें कमियाँ तो हर एक कैमरे में होती है, ना कोई भी कैमरा परफेक्ट नहीं होता है। सो अभी मैं थोड़ा स्पीड चलाता हूँ गाड़ी और चेक करते हैं कि विंड नॉइज़ ऑडियो कैसे आ रही है हाई स्पीड पे, क्योंकि आप जब भी हाईवे पे क्रूज़ करते हैं तो एटलीस्ट आप 80-90 या फिर नॉर्मली 80 की स्पीड में क्रूज़ करते ही हैं। तो होपफुली ऑडियो बेटर होगी इस स्पीड पे भी, आई एम एक्सपेक्टिंग। ऑलराइट, सो अभी वाइज़र मेरा क्लोज है, बंद किया हुआ है मैंने। बड़ी फका बाद में इंडिकेटर दे रहा है चूतिया। ओके, सो ऑडियो टेस्ट हो चुका है, चलते हैं घर पे और देखते हैं ऑडियो का साउंड कैसा है, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा। आप लोगों को तो पता लग ही जाएगा वीडियो देख के। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई सजेशंस है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे सेफ।